जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्याला आज 4 वर्ष पूर्ण झाली. 2019 मध्ये आजच्याच दिवशी हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. गेल्या 4 वर्षात जम्मू काश्मीरमध्ये विलक्षण बदल झाला असून विकासाची कास धरत जम्मू काश्मीर सुद्धा मुख्य प्रवाहात आलं आहे. तसंच दहशतवादाच्या घटनांमध्ये घट होऊन दहशतवाद्यांना होणाऱ्या वित्त पुरवठ्यालाही चाप बसला आहे. समान अधिकार आणि विकास सुनिश्चित करत इथलं प्रशासन वंचित घटकांपर्यंत पोहोचत आहे. तसंच पर्यटकांच्या संख्येतही अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. काश्मीरमध्ये G20 आयोजनही कलाटणी देणारं ठरलं आहे. नवी पहाट झालेल्या काश्मीरमध्ये आता सर्वसामान्य नागरिक संध्याकाळी आणि रात्री देखील इथल्या रस्त्यांवर निर्भयपणे फिरू शकत आहेत आणि सरकारनं उचललेल्या विविध पावलांमुळे काश्मीरी महिला नवा इतिहास रचत आहेत. पेरेंट्स पहले सोचते थे पहले गवर्नमेंट की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इन्हें ससुराल जाना है, घर संभालना है, वो पराई घर की और लड़कों को पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. एंड तब से कि हमें क्या एक फ्रीडम सी मिल गई है लड़कियों को और पेरेंट्स का माइंड भी सेट हो गया है कि लड़कियों को आज ज्यादा लड़कों के मुकाबले एंड लड़कों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता है. चित्रपटांच्या चित्रीकरणाची दारं इथे पुन्हा एकदा खुली झाली आहेत. अनेक दाक्षिणात्य चित्रपटांचं चित्रीकरण जम्मू काश्मीरमध्ये होत आहे, तर गेल्या वर्षी मल्टीप्लेक्स सुरू झाल्यामुळे मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहण्याची संधी इथल्या नागरिकांना मिळाली आहे. पिछले 2 साल से जब से फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है, जब से मैं ये कहूंगा कुछ जमाना बदला है, तब से यकीन मानिए कि महीने में कम से कम 8-10 यूनिट्स यहां होते हैं और लगभग हर दिन आपको कोई ना कोई यूनिट कश्मीर में काम करता हुआ मिलेगा. उद्योगांसाठी पोषक वातावरणाचं नियमन झालं असून देश परदेशातील कंपन्यांकडून इथे 73,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक प्रस्तावित झाली आहे. युवा वर्गाला रोजगाराच्या संधी कौशल्य विकास निर्माण झाला असून तरुणांनी अनेक स्टार्टअप्स सुरू केले आहेत. काश्मीरमधले हे बदल इथला चेहरा मोहरा बदलणारे ठरत आहेत. केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरच्या संपूर्ण विकासाच्या दृष्टीनं कटिबद्ध असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारनं त्यादृष्टीनं नियोजन केलं असल्याचं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं. एक बहुत बड़ी कुताही रह गई थी संविधान की और जिसका प्रायश्चित करने का सौभाग्य इस सरकार को पैदा मिला और मुझे लगता है कि शायद विधाता को यह मंजूर था कि श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हों और उनके हाथों से ये शुभ काम हो. लेकिन जिस पार्टी की ओर से 370 की पैरवी की गई थी सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से, उसी ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि अस्थायी है. लेकिन समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो अपने ही वादे से हट गए. लेकिन एक बड़े ही योजनाबद्ध तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के मोदी जी ने और उनके नेतृत्व की सरकार ने एक व्यवस्था स्थापित करने का काम किया है.